हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गोपा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग को हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पॉइंसेटिया प्लांट केयर के बारे में। पॉइंसेटिया प्लांट को हम समर के सीजन में कैसे केयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉइंसेटिया प्लांट एक बहुत ही जो है खूबसूरत प्लांट होते हैं और इसका जो एक अद्भुत गुण होते हैं जो कि हम वीडियो के आगे बताएंगे। पहले हम बात करते हैं इस प्लांट को जिसने खोज किए हैं। उसका नाम है, मैक्सिको के रहने वाले जाने माने व्यक्ति हैं जिसका नाम है जुएल रॉबर्ट पॉइंसेट। तो ये व्यक्ति जो है इस पॉइंसेटिया का प्लांट को जो है खोज किए हैं। तो फ्रेंड्स, पॉइंसेटिया का एक विशेष गुण होते हैं क्या, पूरे सीजन में वो जो है इसका पत्ते हरे होते हैं और ठीक जो है दिसंबर के महीने में, आप जो वीडियो पे अभी जो देख रहे हैं ये वीडियो विंटर का है, विंटर के सीजन में इसका पत्तियाँ, जो पत्तियाँ भारी देख रहे हैं वही पत्ते जो है बिल्कुल लाल जो है कलर में जो है परिवर्तित हो जाते हैं। और भी बहुत सारे जो दो तीन और कलर वैरायटी होते हैं इसमें, एक मेरे पास जो है वो देखते हैं पिंक कलर है, इसके अलावा भी रेड कलर होते हैं और क्रीम कलर के भी आते हैं। तो ये दो तीन कलर जो होते हैं इसमें वैराइटीज आते हैं। तो आप जो पत्ते अभी समर के सीजन में और मानसून के सीजन में जो पत्ते हरे रहते हैं, ठीक विंटर आते आते ये जो सभी पत्ते जो इसका कलरफुल हो जाते हैं। तो ये जो है एक अजीब से गुण होते हैं और इसका जो है पत्ते जो है क्या होते हैं इसका देखने लायक होते हैं। इसमें तो फूल तो आते हैं लेकिन फूल का उतना महत्व नहीं होते हैं क्योंकि इसका फूल जो है बहुत ही छोटे छोटे आते हैं। आप भी देख सकते हैं वीडियो पे, बहुत ही छोटे फूल आते हैं लेकिन इसका पत्ती जो है शोभा बढ़ाते हैं अपने गार्डन का। तो ये तो हो गया पॉइंसेटिया का विंटर का बात। अभी बात करते हैं समर में हम कैसे इसको केयर करें। तो अभी देख सकते हैं अभी के सीजन में पत्ते कैसे हरे हो गए हैं और जैसे जैसे बारिश होंगे वैसे वैसे जो है पत्ते और हरे होंगे और नए नए ब्रांचेस भी निकल के आएंगे। तो यही जो टाइम होते हैं जो आपका प्लांट को पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयार कर लेने के लिए विंटर के लिए है, ताकि विंटर में आपका ये प्लांट जो है अच्छा से अच्छा देखने लायक हो और बेहतरीन कलर निकल के आए। तो ऐसे क्या केयर करें। तो फ्रेंड्स, बात अगर करते हैं शुरुआत में इसका सनलाइट के बारे में, तो इसको ऐसे तो ये जो है इंडोर प्लांट होते हैं और शेडी पसंद प्लांट होते हैं। इसको जो शेडी में रहना, शेड एरिया में रहना जो है इसको पसंद होते हैं, धूप इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन वो जो होते हैं वो विंटर के लिए वो होते हैं, विंटर में ये जो है धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन अभी जो समर सीजन है तो और मानसून सीजन है आ रहे हैं, तो इस ये सीजन में जो आप इसको धूप में भी रख सकते हैं। और ये जो इसको अभी ग्रो होने का टाइम है, इसको जो अच्छे से इसको ग्रो कर लीजिए। आगे बात कर लेते हैं इसका मिट्टी का। तो इसको जो है अभी फ़िलहाल कोई फर्टिलाइज़र देने का ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि बरसात के सीजन है। अभी कोई भी फर्टिलाइज़र देंगे तो इसमें जो कीड़े मकोड़े का जो अटैक होने का जो है चांसेस रहते हैं, तो इसको अभी कोई भी फर्टिलाइज़र देने का ज़रूरत नहीं है। जो भी फर्टिलाइज़र पहले से ऐड हुआ हो वही काफ़ी है इसके लिए। और इसका पानी का भी विशेष ख्याल रखिए अभी, क्योंकि अभी ऐसे भी बरसात के मौसम चल रहे हैं तो पानी देने का भी खास ज़्यादा ज़रूरत अभी होते ही नहीं है। आगे बात कर लेते हैं इसका कीड़े मकोड़े का। तो खास इस पर अभी जो है कीड़े मकोड़े खास इसका अभी अटैक होते हैं नहीं, होते नहीं हैं। तो ऐसे भी अगर आप चाहें तो नीम पत्ते को बॉयल कर लीजिए, उसके बाद जो उसी पानी से आप इसको स्प्रे करते रहिए। और एक बात है, अभी टाइम है प्लांट को अच्छे से अच्छा शेप देने का, क्योंकि बरसात के मौसम है और जो है अभी जो है प्लांट ग्रो होने का टाइम है, पहले आपको बताई हूँ वीडियो पे। और अभी शेप कैसे देंगे, अभी आप प्लांट को अगर गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे इधर उधर से बहुत सारा बंचेस जो है जो बड़ा हुआ निकल के आएगा। अभी ये देख सकते हैं ये ब्रांचेज जैसे बिल्कुल जो है प्लांट से जो है बढ़ के निकल के आ गए हैं। तो इस ब्रांचेस को हम लोग को कट कर देना है ताकि प्लांट को हम अच्छे से अच्छा शेप दे सके, ताकि विंटर में ये बहुत ही खूबसूरत लगे देखने में, जब इसका पत्ते जो है कलरफुल हो तभी। तो इस तरह से ब्रांचेस को हम कट कर लेंगे, जो भी बड़ा हुआ ब्रांचेस हो
और इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम कटिंग के तौर पे लगा के रखेंगे ताकि जो है विंटर में और हम लोग को एक प्लांट से ज़्यादा प्लांट हम तैयार कर सकें। इसको हम कटिंग लगा देंगे, इसका भी कटिंग लगाने का भी एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो इसको हम कटिंग लगा देंगे, आगे बात करते हैं। इस प्लांट के विशेष एक ध्यान देने वाली बात होती है कि आप इस प्लांट को जब भी इस प्लांट का देख रेख करें, इस प्लांट के जुड़े कोई भी काम करें तो अपना हाथ जो है बहुत अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि आप देखेंगे इस प्लांट को जब भी आप तैयार करेंगे, देखिए जैसे ब्रांचेस को हम काट किए हैं तो इससे जो है देखिए सफ़ेद सफ़ेद जो दूध जैसे एक जो है पदार्थ निकालते हैं, ये बहुत ही जहरीली पदार्थ होते हैं जो कि स्किन के लिए भी हो और जो है सेल के लिए भी हो, जो जहरीले होते हैं। तो आप ये भी कोशिश करें कि अगर आपके घर में बच्चे हो तो आप इस प्लांट को बिल्कुल भी ना लगाएं, और या तो बच्चे से दूर रखें, बच्चे से दूर रखने की कोशिश करें। देखिए ये देख सकते हैं, एक मैंने पत्तियां तोड़े हैं तो इससे देखिए नीट देखिए इससे जो देखिए सफ़ेद सफ़ेद दूध जैसे निकलते हैं, देखिए। तो ये जो होते हैं बहुत ही जहरीले होते हैं, इसलिए आप ये इस प्लांट को आप जब इस प्लांट से जुड़े कोई भी आप काम करें तो अपना हाथ जो है तुरंत अच्छे से धो लें। तो इस तरह से जो है आप प्लांट को जो है एक शेप दे सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छा शेप दे, ताकि विंटर में आपको जो है अच्छे जो है प्लांट का शेप अच्छे निकल के आए, आपका प्लांट भी खूबसूरत लगे देखने में। और बाकी इसके आगे इसका कोई भी फर्टिलाइजर अभी देने का ज़रूरत नहीं है, और इसको आप सनलाइट में रख सकते हैं। तो ऐसे अभी आप इसको जो है समर में आप केयर करके रखिए आपका प्लांट को, और आगे चल के आपको विंटर में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।